हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TSI की अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे BSc AG 6 सेमेस्टर का जो हमारा अगला एग्जाम पेपर होने वाला है, बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो उसके बारे में दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है गाइस, वो है कि मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। दोस्तों, जो मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? इंडोसल्फान है, मेलाथियान है, माल विधान है, या डायजिनान या डायमेक्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था गाइस, वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडोसल्फान। इंडोसल्फान, ठीक है गाइस। इसके नेक्स्ट होगा कि बॉम्बेक्स मुराई है। दोस्तों, बॉम्बेक्स मुराई क्या है? ये हमारा मोनोफेगस है, ठीक है, मोनोफेगस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, मोनोफेगस। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ग्रेसरी बीमारी द्वारा होती है, यानी दोस्तों जो ग्रेसरी बीमारी है किसके द्वारा होती है? वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा बैक्टीरिया से होती है। जो दोस्तों ग्रेसरी बीमारी है बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी की नोजेमा बीमारी किसके द्वारा होती है? दोस्तों, जो मधुमक्खी की नोजेमा बीमारी है गाइस, वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है गाइस, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि मधुमक्खी में प्रवास कारण होता है। दोस्तों, प्रवास कारण किसके कारण होता है? भीड़, भोजन की कमी, छेड़छाड़ होना, या प्रतिकूल मौसम। तो दोस्तों, मधुमक्खियों में जो प्रवास होता है वो भीड़ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, भीड़ के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कि रेशम कीट की फ्लेचरी बीमारी होती है। दोस्तों, जो रेशम कीट की फ्लेचरी बीमारी है किससे होती है? अपच से होती है, कवक से, बैक्टीरिया से, या सूत्रकृमि से। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा इस अपच से, ठीक है, अपच से। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट होगा कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो संस्थान है, दोस्तों केंद्र शासित है, केंद्र जो स्थित है कहाँ पे है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो है केंद्र है गाइस, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, नागालैंड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है गाइस, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एरी रेशम कीट मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? असम में, मैसूर में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा असम में पाया जाता है गाइस, असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि लार्क कीट के प्रथम मोल्ट के बाद कौन सा भाग नहीं रहता? तो दोस्तों, जो लार्क कीट में है प्रथम मोल्ट के बाद कौन सा भाग नहीं रहता? एंटीनी, आँख, टांगे, या ये सभी? तो दोस्तों, वो हमारी जो है आँख नहीं रहती है, जो प्रथम मोल्टिंग होती है उसमें, उसके बाद में उसकी आँख नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा गाइस कि लार्क में रेजिन कितनी मात्रा में पाया जाता है? गाइस, लार्क में जो रेजिन होता है कितनी मात्रा में पाया जाता है? 19 से 25, 48 से 52, 68 से 90, या 100 से अधिक? तो यहाँ करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि 68 से 90% की मात्रा में रेजिन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट में जो दिया है कि बैसाखी स्ट्रेन का इनाकुलेशन समय क्या है? दोस्तों, जो बैसाखी स्ट्रेन है इसका इनाकुलेशन समय क्या है? दोस्तों, ये जो इनाकुलेशन समय होता है इसका होता है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर होता है। नेक्स्ट होगा कि लाख की जेटवी स्ट्रेन की कटाई किस समय करते हैं? दोस्तों, लाख की जो जेटवी स्ट्रेन है इसकी कटाई कब करते हैं? जनवरी, फरवरी, अगस्त, मई, जून, या सितंबर, अक्टूबर? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, वो है जनवरी, फरवरी। गाइस, अगर आपको क्लास पसंद हो आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना। दोस्तों, नेक्स्ट होगा कि लाख कीट की वह स्ट्रेन जो केवल पोषक पौधों पर जीवित रहती है। दोस्तों, लाख कीट की वह स्ट्रेन जो केवल पोषक पौधों पर जीवित रहती है कौन सी है? दोस्तों, रंगीनी है, लागमी है, नामकुमी है, या कुसमी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है गाइस, वो है रंगीनी, ठीक है, रंगीनी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, रंगीनी। नेक्स्ट होगा कि लाख कीट के कुसमी स्ट्रेन द्वारा कौन सी फसल पैदा होती है? तो दोस्तों, जो लाख कीट की कुसमी स्ट्रेन के द्वारा कौन सी फसल पैदा होती है? वो होती अगहनी फसल पैदा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा कि अगहनी फसल पैदा होती है गाइस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा जो दिया है कि
लाख कीट की वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ मिलती हैं दोस्तों? लाख कीट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ मिलती हैं? एक, दो, चार या पाँच? तो यहाँ करेक्ट आंसर गाइस वो रहेगा दो पीढ़ियाँ मिलती हैं एक वर्ष में लाख कीट की। ठीक है, नेक्स्ट होगा गाइस कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1930 में, 1925 में, 1947 में। तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1925 में हुई थी। ठीक है गाइस, 1925 में हुई थी। तो गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।